मध्य प्रदेश के बरोही में पुलिस ने दो तस्करों को अवैध हथियारों के साथ काबू किया है। आपको बता दें कि बरोही थाना पुलिस ने तस्करों को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि कुछ तस्कर बरोही के अमलेडा तिराहा के पास हथियारों की सप्लाई के लिए घूम रहे हैं, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार हैं, जिसके चलते पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम का गठन किया और छापामारी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों से 4 अवैध पिस्टल, मय मैगजीन और 3 कट्टे, 315 बोर व 6 जिंदा राउंड बरामद हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक भिंड के द्वारा भिंड में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष हो सके। बताते चले कि मुखबिर से थाना प्रभारी बरोही को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति हथियारों की सप्लाई करने बरोही के अमलेडा तिराहा के पास नहर पर एक मोटर पर देखे गए हैं, जिसके चलते टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान अमलेडा तिराहा के पास नहर की घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को धर दबोचा गया। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि अमलेडा नहर के पास एक मोटरसाइकिल बैग लिए खड़े हैं, उस पर अवैध हथियार की सूचना मिली, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और उनके थाना प्रभारी उमरी को भी टीपी ज्यादा उपाधि बुलाया। हम लोगों ने घेर के अमलेडा नहर पर मोटरसाइकिल वाले पकड़ा, उन्होंने भागने का प्रयास किया, उनको पकड़ा, चेक किया तो बैग के अंदर 4 पिस्टल, 2 कट्टे मिले। पीछे लड़का बैठा था, उसकी कमर में एक कट्टा लगा हुआ था और जेब में 6 राउंड। कितने कुल कितने लोग थे? 2 लोग थे, 4 पिस्टल है, 3 कट्टे और 6। अच्छा सर, इसमें जिंदा राउंड भी इसमें प्राप्त हुए हैं? हाँ, 4 पिस्टल के राउंड है और 2 कट्टे के राउंड। अच्छा अच्छा, तो कहाँ के थे सर ये आरोपी? ये एक आरोपी है अपना, ये देवपुरा का है और एक आरोपी सोई का पुरा। तो मुखबिर की सूचना सर आपने वहाँ, तो आप अकेले या कोई आपके साथ और भी टीम गई थी थाने? मैं था, थाना प्रभारी ऊपरी टीम में गया थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।